रविवार को सेक्टर 6 स्थित श्री त्रिवेणी जैन तीर्थ के प्रांगण जैन भवन में विश्व मैत्री दिवस मनाया गया। इस दौरान विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। साथ ही जैन भवन में सामूहिक क्षमा याचना भी आयोजित की गई। आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई है। हमारा यह जो विश्व मैत्री दिवस है, वर्ष में एक बार सकल जैन समाज, जैन मिलन, जैन ट्रस्ट, जैन महिला क्लब और त्रिवेणी जैन तीर्थ के चारों आमनाओं के सभी प्रतिनिधियों और सदस्यों के द्वारा आपस में प्रेम सद्भावना हमारी हमेशा बनी रहे, और यदि हमसे कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी बंधु से कोई गलती हो गई हो तो हम लोग दिल से, मन से, वचन से भगवान महावीर स्वामी जी के संदेश को अमल करते हुए क्षमा याचना का यह कार्यक्रम आपस में करते हैं। और जिनसे भी हमारा गलती से राग द्वेष या बैर हो गया हो तो हम लोग उनसे भी जाके क्षमा याचना करते हैं। यह क्षमा याचना पूरे प्रदेश में और पूरे देश में लगातार होनी चाहिए, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, इससे बढ़कर दुनिया में कोई हथियार नहीं है। यदि प्रेम और अहिंसा सब जगत में शांति रहेगी तो देश में अमन शांति बनी रहेगी। हमारे जैन मिलन का यह जो आयोजन है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लगातार एक दूसरे से प्रेम बना रहे और जो भी काम कर रहे हैं हम सब मिलजुल कर क्षेत्र का विकास और हमारे समाज का आपस में एकजुटता के साथ विकास होते रहे। धार्मिक क्षेत्र में तो हम लोग आते ही हैं और हमारे सभी साधु संत गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे त्रिवेणी जैन तीर्थ में बने रहता है। मैं पुनः एक बार आज के विश्व मैत्री दिवस के लिए हाथ जोड़कर करबद्ध पूरे मीडिया बंधु और अपने देश प्रदेश वासियों से मन वचन काय से क्षमा याचना मांगता हूँ और अपने परिवार की ओर से भी क्षमा याचना मांगता हूँ। यह क्षमा याचना बहुत बड़ा आयोजन है। क्षमा से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, इससे बड़ी बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। जय जिनेन। मैं प्रचार प्रसार प्रभारी प्रदीप जैन बाकलीवाल पुनः एक बार आप सभी को इस विश्व मैत्री दिवस के आयोजन की मैं आपके सहयोग के धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ।